हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव देखते हैं। तो मेरे पास एक बिंदु आवेश है जो किसी ओ बिंदु पर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश, और इससे आर दूरी पर मुझे कोई P बिंदु है, यहां पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। P बिंदु पर विभव निकालना है, ठीक है बच्चों। और बिंदु आवेश का मतलब आप समझते हो कि जो डिस्टेंसेस अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है आवेश के साइज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना। अब विद्युत विभव निकालने के लिए हमने पहले पढ़ी थी डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये कहती है कि किसी इकाई परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब अगर मुझे P बिंदु का विद्युत विभव निकालना है तो मैं किसी इकाई परीक्षण धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेके आऊंगा और मैंने जितना काम किया होगा वो इस बिंदु का विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब मैं यूं कह सकता हूं, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर मुझे P बिंदु का विद्युत विभव देखना है तो मैं क्या कहूंगा, मुझे काम देखना पड़ेगा अनंत से लेके P तक आने में अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहां पर साइड में रख देता हूं, ये काम आएगा इक्वेशन नंबर 1 देखिए। अब देखो, विद्युत विभव निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मान लो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मेरे को चार्ज लेके आना पड़ रहा है, तो टोटल काम निकालने में मुझे थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं करता हूं कि मैं रास्ते में, इस पूरे रास्ते में कहीं पर, जो कि ओ बिंदु से एक्स दूरी पर, मैं क्या मान लेता हूं, मैंने कहीं पर यहां पर क्यू नोट आवेश रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब मैं यूं बोलूंगा कि मैं इस क्यू नोट को थोड़ा सा विस्थापन देने में काम निकाल लूंगा, इस क्यू नोट को थोड़ा सा विस्थापन देने में काम निकाल लूंगा, और वो काम आ गया तो मैं क्या कर दूंगा, इन्फिनिटी से लेकर पी बिंदु तक, मतलब उसका समाकलन कर दूंगा तो सारा काम आ जाएगा, तो हमारा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस क्यू नोट के ऊपर बल कितना लग रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्यू नोट पर बल। अब क्यू नोट पर बल कितना लगेगा बच्चों, देखो इसकी वजह से यहां पर कुछ बल लग रहा होगा जिसको मैं एफ कह देता हूं। तो F की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/4πε0 कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू नोट अपॉन x स्क्वायर। तो ये बात आ गई हमारे बल की, तो समीकरण नंबर 2 इसको दे देते हैं। देखो अगर मान लो मैं इसको dx विस्थापन देता हूं, इस डायरेक्शन में कुछ dx विस्थापन दे देता हूं, अगर मैं इसको dx विस्थापन दूंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं dx विस्थापन में कार्य। तो विस्थापन में जो काम करेंगे, और dx विस्थापन बहुत छोटा विस्थापन दिया है इसलिए मैं जो काम करूंगा वो भी बहुत छोटा होगा dw, और dw हो जाएगा f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, यानी कि dw जो हो जाएगा वो हो जाएगा f dx cos थीटा। लेकिन देखो cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, f वेक्टर की तरह इस डायरेक्शन में, बल की तरह लग रहा है इधर, विस्थापन की तरह दे रहा है इधर, तो cos कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि dw जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस f dx। तो मैं f की वैल्यू रख देता हूं यहां से, माइनस f की जगह लिख देता हूं 1/4πε0 q q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू cos 180 माइनस 1 हो गया इनटू dx, तो ये हमारा dw आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये dw है, ये सिर्फ इतना सा विस्थापन देने में कार्य है, तो मुझे यहां से अनंत से लेके p बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dw का समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूं अनंत से p बिंदु तक कुल कार्य, और अनंत से p बिंदु तक कुल कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा w इंफिनिटी टू p, w अनंत से लेके p लिख देता हूं उसको मैं, वो निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा dw का समाकलन, और dw का समाकलन करेंगे हम अनंत से लेके p बिंदु तक। देखो p बिंदु तक मतलब यहां के लिए जो डिस्टेंस है वो अनंत है, और यहां हमको रखनी है डिस्टेंस, तो p बिंदु की जो दूरी है वो कितनी r, तो मैं लिख दूंगा इन्फिनिटी से लेके r, तो ये आ जाएगा dw। इसको आगे रखेंगे तो यहां हो जाएगा इन्फिनिटी टू r, dw की वैल्यू यहां रख रहा हूं, हो जाएगा -1/4πε0 q q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे w इन्फिनिटी टू p इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस को ले लिया मैंने बाहर, 1/4πε0 को भी ले लिया मैंने बाहर, Q और Q नोट को भी ले लिया बाहर, तो Q Q नोट आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1/x² into dx, ठीक है बच्चों। समाकलन करना आपको आता है, 1/x² का समाकलन कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पे मैं कर रहा हूं 1/x² का समाकलन, 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूं इनटू यहां पे आ जाएगा dx, तो 1/x² को मैं लिख सकता हूं x की पावर -2 into dx, और आपको पता है समाकलन जो होता है वो होता है हमारा x टू द पावर n का जो समाकलन होगा वो होता है x की पावर n+1/n+1, तो यहां पर x की पावर -2 का समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर -2+1/-2+1, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो 1 -2 -1, तो x की पावर -1 और ये हो जाएगा -1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1/x, तो समाकलन कितना हो जाएगा 1/x² का -1/x, तो यहां से जो हमारा w इंफिनिटी टू p आएगा, w इंफिनिटी टू p जो आया वो कितना आ गया -q q नॉट अपॉन 4πε0, यहां इंफिनिटी टू r लिखेंगे अपन, तो यहां पर -1/x आ गया, यहां आ जाएगा इंफिनिटी टू r। देखो बच्चों, अब जब भी कभी भी इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो यहां माइनस आ जाए तो माइनस को बाहर ले लेना, ताकि आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, आप गलती कर देते हो माइनस लगाने में कई बार, तो आप क्या कर दो, माइनस को ले लो बाहर, तो जब माइनस को बाहर लेंगे तो डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी जो बनेगा वो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बनेगा क्यू क्यू नोट अपॉन 4πε0, यहां हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार हम रखेंगे स्मॉल आर, एक बार रखेंगे हम इन्फिनिटी,
तो बच्चों 1 अपॉन इनफिनिटी कितना होता है, 0। तो 1 अपॉन r में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन r, मतलब w इनफिनिटी टू p जो आया वैल्यू वो आ गई, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये w इनफिनिटी टू p का फार्मूला आ गया। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि जो p बिंदु का विभव होगा वो इसमें हम लगा देंगे भाग q नॉट का। देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं q नॉट का भाग लगाऊंगा तो कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, ये बच जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल q अपॉन स्मॉल r, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा p बिंदु का। ठीक है बच्चों, P बिंदु का विभव कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R कह दो या फिर K Q अपॉन R कह दो। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, अगर कोई Q आवेश हो R दूरी पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R या फिर K Q अपॉन R, ये हमारा विभव होता है बच्चों। और विभव एक अदिश राशि है, तो हम कह देंगे कि अगर मान लो ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से कितना है K Q अपॉन R, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और अगर ये माइनस आवेश हो तो मैं लिख दूंगा ऋणात्मक आवेश के लिए, कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए जो विभव होगा आर दूरी पर वो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये बात हो जाएगी, मतलब प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ऋणात्मक आवेश के लिए कितना हो जाएगा ये। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर माध्यम में रखा हुआ हो कोई आवेश, अगर कोई आवेश माध्यम के अंदर रखा हुआ हो तो माध्यम में विद्युत विभव, तो बच्चों माध्यम में विद्युत विभव कितना होगा, तो पहले देखो हमने क्या कहा था कि अभी यहां पर जो निर्वात की बात करी थी तो V इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, हमने एक बात कही थी कि जब भी माध्यम की बात करें अपन तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देना एप्सिलॉन से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी अपन वही करेंगे, मतलब वी मीडियम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, मतलब अगर मैं वी एम की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह लिख दूं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। तो बच्चों देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, देखो मैं इसको यहां दिखाता हूं, ये वैल्यू हमारा विभव की है, जो हमारा निर्वात में विभव आ रहा था उसकी वैल्यू है। तो मैं क्या यूं लिख सकता हूं, मैं यूं लिख सकता हूं क्या कि Vm जो होगा वो V अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, जितना निर्वात में विभव होगा उसमें आप एप्सिलॉन आर का भाग लगा दो तो आपका विभव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है दूरी के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, तो हम क्या बना बता देंगे कि इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये विभव हो जाएगा, तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आ रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से विद्युत विभव। तो बच्चों आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव निकालना है, यानी कि मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं उनकी वजह से किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। मतलब मान लो मेरे पास एक Q1 आवेश रखा हुआ है, एक Q2 आवेश रखा हुआ है, कोई Q3 आवेश रखा हुआ है और कोई Q4 आवेश रखा हुआ है, और यहां पर मैं Qn आवेश मान लेता हूं, यानी कि बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। Q1 आवेश जो है वो R1 दूरी पर है, Q2 आवेश जो है R2 दूरी पर है, Q3 आवेश जो है R3 दूरी पर है, Q4 जो आवेश है R4 और Qn आवेश है Rn दूरी पर, और यहां पर P बिंदु है, तो P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा। तो बच्चों आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव देखना है, तो यहां पर कोई झंझटबाजी नहीं है क्योंकि जो विभव होता है वो हमारी अदिश राशि है। मतलब अपन क्या करेंगे कि अदिश योग कर देंगे, जोड़ देंगे सारे विभव को, मतलब इसकी वजह से यहां कितना, 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 इसकी वजह से यहां कितना। मतलब अगर मान लो मुझे आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है तो कुल विभव जो होगा वो सभी आवेशों के विभव के कारण अलग अलग योग के बराबर होगा, मतलब अलग अलग अधिशोक के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या लिखा कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर कुल विभव होगा सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर कितना विभव है उनका सबका क्या कर देना, योग कर देना, और यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है सदिश योग करने की, क्योंकि हमारी विभव जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि Q1 की वजह से यहां कितना विभव है, प्लस Q2 की वजह से कितना है, प्लस Q3 की वजह से, प्लस Q4 की वजह से, प्लस Qn की वजह से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो टोटल विभव होगा वो कितना हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q1 आवेश की वजह से R दूरी पर कितना विभव होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ये तो देखा भी। Q2 आवेश की वजह से कितना विभव होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन दूरी कितनी R2, प्लस Q3 की वजह से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन RN। तो यहां विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन टू Qn अपॉन RN। तो यहां से विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं देखो पूरे को सबमिशन में लिख देता हूं क्योंकि हमने Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 जोड़ते जाएंगे। तो यहां मैं क्या करता हूं सबमिशन का निशान बना देता हूं और वो हो जाएगा I इक्वल टू 1 से लेके N तक और ऊपर हो जाएगा Qi अपॉन हो जाएगा Ri। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया, सामान्य फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो मेरे पास तीन चार्ज होंगे तो मैं क्या कर दूंगा यहां 1 से लेकर 3 तक रख दूंगा, मतलब Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 तक जोड़ दूंगा। अगर 5 होंगे तो 5 तक जोड़ूंगा, 6 होंगे तो 6 तक जोड़ूंगा, तो ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी।